पन्ना जिले की बड़ी खबर। पन्ना जिले के ई गवर्नेंस अधिकारी पुष्पेंद्र तिवारी बिना पैसे लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। यदि पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। हाँ, काम तो होगा, लेकिन वह नियम के तहत साल लग जाएंगे और काम कराने में। अगर यदि आप पैसे दे दिए तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। यहाँ का नियम है अधिकारी पुष्पेंद्र तिवारी का, अभी एक महीनों पहले लोका आयुक्त द्वारा जो छापा मारा गया था वह भी पैसे के लेन देन में काम रुका था। दिनांक 1 नवंबर 2021 को भी एक बेरोजगार व्यक्ति नितिन जैन, जो देवेंद्र नगर का निवासी है, सामने आया। बताया कि आधार सेंटर देने के नाम पर गरीब बेरोजगार युवाओं से पैसे लिए जाते हैं और पैसे देने के बाद भी काम नहीं करते हैं, सालों टंगा देते हैं और साथ ही में सोचते हैं कि कुछ मिल जाए और इस वजह से वह रोक देते हैं। वहीं पीड़ित होकर नितिन जैन ने अपना दुख व्यक्त करते हुए यह बताया, मुझसे पैसों की मांग की थी कि यदि आप 25,000 की हमें देंगे तो हम आपकी फाइल आगे बढ़ाएंगे। तो वह बेरोजगार व्यक्ति कर्जे से लेकर किसी से उन्होंने फ़ोन पे के माध्यम से 10,000 रुपये का भुगतान कर दिया। वह भुगतान पाने के बाद भी अधिकारी पुष्पेंद्र तिवारी ने उनका काम नहीं किया और उसको सेंटर नहीं दिया गया, जबकि उसके साथ आवेदन किए हुए कई आवेदनों को स्वीकार कर सेंटर चालू कर दिए गए हैं। साथ ही में गुप्त सूचना के अनुसार यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि किसी के नाम पर आधार सेंटर कोई और चला रहा है, जिसके नाम पर सेंटर हुआ है आराम से महीने पैसे पा रहा है। और अब तो सोचना यह है कि जिला प्रशासन क्या कभी किसी आधार सेंटर में जांच के लिए नहीं गया? क्या अगर गए होते तो क्या ऐसा नहीं पाया होता कि कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण से यह कालाबाजारी और घूसखोरी चल रही थी और पहले से कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी का भी सहयोग हो सकता है। पुष्पेंद्र तिवारी का यह भी सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा ट्रांसफ़र होगा, यह ट्रांसफ़र होगा फिर वहां पर काम लेंगे, हम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। बेरोजगार युवाओं की निगाहें प्रशासन पर टिकी हुई है और उनके निर्णय पर टिकी है, देखना यह है कि प्रशासन क्या निर्णय लेती है। मैं देवेंद्र नगर का निवासी हूँ और ऑनलाइन सर्विस देता हूँ मैं कस्टमरों को। आधार सेंटर में खोलने के लिए शुरू में चलाया हूँ प्राइवेट कंपनियों से, और जब से गवर्नमेंट में गया है आधार कार्ड, जब से मतलब ये एमपी ई गवर्नमेंट से मिलता है आधार कार्ड का काम, जो कि वहाँ पे मेरे से 10,000 रुपये लिए गए। किसके द्वारा लिए गए? ये मैंने खाते पे फोन पे किया था। किनके खाते में? का नाम है क्या? पुष्पेंद्र तिवारी। किस चीज़ के लिए उनने रिश्वत ली है? अब ये नहीं मालूम मेरे को। 17 तारीख को अपन ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं। है क्या? हाँ, गवर्नमेंट में चला गया है आधार कार्ड का काम। कितने पैसे आपसे ले लिए अभी तक? अभी 10,000 दिया हूँ। कितने और मांगे गए हैं अभी? अभी बाकी अभी डिमांड नहीं है कुछ, अभी केवल जितना था। क्या पुराना कमीशन आया था हमारा, जो कि उसमें से हमने ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।